तुम आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डर्मा शाइन की हैंड एंड फूड ब्लीच का। रिव्यू शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दें, थैंक यू। अब हम आते हैं ब्लीच के वर्क पर कि किस तरह से वर्क करती है। ये आपके हैंड एंड फुट को बहुत अच्छे से सॉफ्ट नरिश्ड कर देती है। ओके, ऑर्गेनिक है, ओल्ड टाइप ऑफ स्किन है और ब्लीचिंग मार्क्स है ये। ओके, आप देख सकते हैं टू इन वन है, डबल एक्शन है। अच्छा जी, इसमें शामिल है परफ्यूम फ्रेगनेंस, विटामिन, शिया बटर, कोकम्बर, एक्वा वाटर, एलोवेरा ऑयल, पपाया सीड्स। ओके, ये सब आप इसको एवरीडे यूज़ कर सकते हैं। योर फीट विल बी अन नेवर फील द सेम अगेन। ओके, स्पा एट होम, बेसिकली ये स्पा एट होम लाइक मिनी मैनीक्योर पेडिक्योर आप इसको नाम दे सकते हैं। मैंने इसको नाम दिया हुआ है मिनी मैनीक्योर पेडिक्योर। जब मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं पार्लर जाऊँ, मैनी पेडी लूँ, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। आपके हैंड्स को, आपके फुट को सुपर डुपर मॉइस्चराइज, रिफ्रेश और इवन आउट कर देती है। कि कहीं से डार्क हो रहे हैं, डलनेस हो रही है, तो ये उन सब को ठीक कर देती है। आपकी डलनेस, आपकी अनफ्रेशन, आपके पैर बड़े ख़राब से लग रहे हैं या हाथ बड़े ख़राब रुखे रुखे बेजान से, तो ये उन सब प्रॉब्लम का हल है ज़बरदस्त। बस ये आपके हाथ पैरों को गोल्डन नहीं करती। ओके, गोल्डन नहीं कहती, ये जस्ट एक मार्क्स की तरह। आप इसको अप्लाई करें 15 से 20 मिनट, देन फिर वॉश कर लें आप, और आपके हाथ पैर बड़ी ही प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं और ये फ्रेश हो जाते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट वन। ओके, दिस इज़ अ बेस्ट वन, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। ये बहुत बहुत अच्छी ऑर्गेनिक है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है। और जो है, अगर आपको ब्लीच से रैश हो जाते हैं, स्किन कोई एलर्जी कर जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, तो आप ये ट्राई करें। ये सुपर डुपर ऑर्गेनिक है, इट्स लाइक प्योर ऑर्गेनिक इस पर लिखा है, तो ये प्योर ऑर्गेनिक है। आपको किसी तरह की इरिटेशन नहीं होती, आपकी स्किन बर्न नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। कोई केमिकल का मसला नहीं है कि ज़्यादा हो गया या कम हो गया पाउडर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बनी बनाई है, जस्ट आपने निकालनी है और अपने हैंड एंड फुट्स पर अप्लाई कर लें एक मार्क्स की तरह, और आप देन रिज़ल्ट चेक करें। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। मैंने ये ली थी नताशा वकास ने की, मैंने एक वीडियो देखी थी हैंड एंड फुट लाइटनिंग कुछ थी उस तरह की ना, तो उन्होंने रेकमेंड करी थी, फिर मैंने भी यूज़ करी, तो ये वाकई बहुत बहुत अच्छी है। आपके हैंड एंड फुट को वाकई में बहुत असर। अब आप ये सोचिए लगाते ही भाई सुपर वाइट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, इवन आउट होती है आपकी स्किन लाइटन अप होती है। ओके, मॉइस्चराइज, रिफ्रेशिंग हो जाएगी, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी आपकी स्किन इससे, और बस बाल गोल्डन नहीं होंगे। तो बाल गोल्डन करने की ख्वाहिश भी नहीं होती अब तो लोगों के अंदर, क्योंकि बेसिकली वो ब्लीच अच्छी नहीं लगती हैं जो बाल गोल्डन हुए हुए, और हर बंदा नोट करके वो ब्लीच करी तुमने, तो वो अच्छा नहीं लगता है। काम ऐसा हो जो किसी को पता भी ना चले और काम भी हो जाए बहुत अच्छे से, तो बेसिकली इसका वो वाला काम कि किसी को फील भी नहीं हो और आप स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट एंड लाइटन अप हो जाती है, जैसे आपने मैनीक्योर पेडिक्योर ले लिया है। तो ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें वीडियो को। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी हो। आपको ये कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी, लाइक लोकली मार्केट से भी इजीली मिल जाएगी।